दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, अभी रिसेंटली कैब जर्मनी की तरफ से एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिली है, या फिर मैं इसको एक स्कैम भी बोल सकता हूँ। एंड स्कैम क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज को हम समझते हैं। अभी रिसेंटली कैंडिडेट ने एक मुझे शॉकिंग मेल भेजी है, एंड उसके बाद मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि कितनी बड़ी कंपनी, एक बिग MNC अगर ऐसा कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने किसी भी इंटरव्यू का प्रोसेस दिया, अभी हम कैब जर्मनी की बात नहीं करते, किसी भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो एंड वो पूरा पूरा प्रोसेस कर रहे हो, असेसमेंट दे रहे हो, फिर असेसमेंट से शॉर्टलिस्ट हुए हो इंटरव्यू के लिए, एंड उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। एंड एक कैंडिडेट ऐसा है, एक फ्रेंड आपका ऐसा है जिसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ और डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, तो क्या ये स्कैम है? तो ऐसा ही कुछ अभी कैब जर्मनी की तरफ से हुआ है। अभी रिसेंटली काफी स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ है कि कैब जर्मनी ने बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट सिलेक्शन मेल भेजी है काफी कैंडिडेट्स को, और काफी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है बिना किसी इंटरव्यू के। अभी रिसेंटली कैंडिडेट ने मुझे मेल भेजी थी कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, एंड काफी स्टूडेंट्स का जिनका इंटरव्यू अच्छा गया था, जिनका इंटरव्यू राउंड भी अच्छा गया था, कोडिंग क्वेश्चंस भी सब हो चुके थे, असेसमेंट भी अच्छा गया था, उनका इंटरव्यू होने के बाद भी और इंटरव्यू भी अच्छा जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड जबकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है बिना किसी इंटरव्यू के, तो एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है एंड इस चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड जितने स्टूडेंट्स भी चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको जॉब प्रोफाइल्स दिखा देता हूँ, CTC दिखा देता हूँ कि किस प्रोफाइल के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक्सलर प्रोग्राम, एक्सलर हायरिंग हुई है कैब जर्मनी की, ऑन कैंपस हायरिंग हुई है। एनालिस्ट, एनालिस्ट डिफरेंशियल हायरिंग और सीनियर एनालिस्ट, इन तीन प्रोफाइल पे कैब जर्मनी ने स्टूडेंट्स लेती है। 4.25 लैक्स 4 LPA जिसमें आपका बेस रहता है, 25 के आपके वन टाइम इंसेंटिव्स रहते हैं। नेक्स्ट है आपकी एनालिस्ट डिफरेंशियल हायरिंग जिसका 5.75 पैकेज रहता है, मीन्स 5.5 LPA इनका बेस रहता है, ठीक है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो 12 से, 25 के इनका वन टाइम इंसेंटिव्स रहता है। नेक्स्ट है सीनियर एनालिस्ट जिसका पैकेज काफी अच्छा है, 7.5 लैक 7.25 LPA इनका बेस रहता है, जिसमें 25 के इनका वन टाइम इंसेंटिव होता है। तो इस प्रोफाइल्स के लिए अभी ये जो हायरिंग हुई है, इन प्रोफाइल्स के लिए, मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए हुई है। अब बात करते हैं कि भैया वो क्या, मतलब क्या शॉकिंग मेल्स थी, क्या हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। पहले हम बात करते हैं इंटरनल प्रोसेस की। अगर हम प्रोसेस के बात करें, आप किसी भी कंपनी में विजिट कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए आप जा रहे हो, लाइक आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेदर इट इज ऑन कैंपस वेदर इट इज ऑफ कैंपस, तो प्रोसेस क्या रहता है? पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होने के बाद, ठीक है, आपके मल्टीपल राउंड्स होते हैं कंपनीज के, लाइक आपका पहला जो हो गया वो एप्टीट्यूड असेसमेंट, इसको हम एप्टीट्यूड असेसमेंट भी बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड असेसमेंट। और कैब जर्मनी में तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं, लाइक ऐसे राउंड, कम्युनिकेशन राउंड, एप्टीट्यूड असेसमेंट होने के बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट हुआ है। अब काफी कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मैं जनरली कंपनी की बात कर रहा हूँ, अब उसमें कैब जर्मनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, नॉर्मली प्रोसेस क्या रहता है? टेक्निकल असेसमेंट, फिर जब आपने एप्टीट्यूड असेसमेंट क्लियर कर लिया, देन आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा। उसके बाद अगर आप असेंचर या कैब जर्मनी कंपनी में जा रहे हो तो कम्युनिकेशन राउंड ये कंपनीज लेती है, लाइक असेंचर, कैब जर्मनी, कॉग्निजेंट, इनमें कम्युनिकेशन राउंड आपका होता है। तो SVAR राउंड इनका होता है कम्युनिकेशन कैब जर्मनी का, ठीक है, SVAR राउंड, ये कम्युनिकेशन राउंड होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आपका होता है सिलेक्शन। और अभी अगर मैं आपको कहूं कि एक आप हो एंड एक आपका फ्रेंड है, एंड आपने ये प्रोसेस भी किया, ये प्रोसेस भी किया है, ये सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो, काफी मेहनत करने के बाद, काफी राउंड्स क्लियर करने के बाद, एंड जो आपका फ्रेंड है, सपोज ये आपका फ्रेंड है, ये आपका फ्रेंड डायरेक्टली सिलेक्शन तक पहुंच जाता है बिना किसी इंटरव्यू के, तो क्या आपके साथ धोखा हुआ है? यस, देखो आपने पूरा प्रोसेस किया एंड एक स्टूडेंट्स को वो चीज डायरेक्टली मिल गई, तो ये स्कैम अभी कैब जर्मनी की तरफ से हुआ है। एंड मैं इसको स्कैम बोलूंगा, मैं ओपनली इसको स्कैम बोल रहा हूँ, ये स्कैम ही है। देखो अगर आप खुद अपने ऊपर देखो कि आपका फ्रेंड जा रहा है, एंड रियल में काफी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, एंड जितने स्टूडेंट्स के साथ हुआ है वो कैब जर्मनी, अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, चाहे वो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे वो आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा हो, अगर आपने भी ये चीजें फेस किया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना,
अब मूव करते हैं मेन शॉकिंग मेल की तरफ कि क्या शॉकिंग मेल है। हाय भैया, इन माय कॉलेज ऐसी मेल्स मेरे पास बहुत सारी मेल्स आ चुकी है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आए हैं। इन माय कॉलेज 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 250 गॉट सेलेक्टेड, मतलब 250 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, जिसमें से 20 स्टूडेंट्स विदाउट इंटरव्यू, बिना किसी इंटरव्यू के 250 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, एंड 20 स्टूडेंट्स बिना किसी इंटरव्यू के सिलेक्ट हुए हैं। वेयर एज मैनी स्टूडेंट्स हु हैव सॉल्वड बोथ कोडिंग क्वेश्चन एंड गेव 35 मिनट्स परफेक्ट इंटरव्यू, मतलब जो कोडिंग क्वेश्चन थे उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन भी सॉल्व किए 35 मिनट्स या फिर 40 मिनट्स, ठीक है, सबका अपना अलग अलग इंटरव्यू होता है, किसी का 30 मिनट्स होता है, किसी का 35 मिनट्स होता है, किसी का 40 मिनट्स होता है और किसी का 20-25 मिनट्स के अंदर रैप अप हो गया था। उनका इंटरव्यू देने के बाद भी गॉट रिजेक्टेड, सबसे बड़ी चीज ये समझो, जब आपने पूरे के पूरा प्रोसेस में जाते हो एंड आपकी सारी चीज अच्छी जाती है कि आपने एप्टीट्यूड असेसमेंट में अच्छा कर लिया कि अब तो कोडिंग असेसमेंट के लिए मेल आ जाएगी, कोडिंग असेसमेंट आपने अच्छी तरीके से कर लिया, फिर आप सोचते हो कि जब मेरा कोडिंग असेसमेंट अच्छा हो गया, एप्टीट्यूड असेसमेंट हो गया, तो यार इंटरव्यू के लिए तो मेल आनी है, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए मेल आ गई, अभी मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू अच्छा गया था, तब भी उनको रिजेक्शन आया है, ठीक है। अब इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी आपको रिजेक्शन मिला है, अब ये क्यों हुआ है, सबसे बड़ी चीज, एंड आई एम ऑल्सो रिजेक्टेड बट माई इंटरव्यू वॉज गोन गुड। अब ये स्टूडेंट्स जिसने अपनी ईमेल मुझे सेंड की है वो भी बेचारा रिजेक्ट हुआ है एंड उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ एक कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूं तो 20 कैंडिडेट्स 20 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ है कि 20 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया बिना इंटरव्यू के, और ये जो बेचारे 230 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इंटरव्यू भी दिया, पूरा प्रोसेस भी करा, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजेक्शन हुआ है और जिनका बिल्कुल परफेक्ट इंटरव्यू गया था, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीज आपकी लक, ये है आपका लक। और बट देखो लक होता है, लक जब होता है कि जब एक बंदे भी इंटरव्यू दे रहा है और दूसरा बंदे ने भी इंटरव्यू दिया बट इस बंदे ने अच्छा नहीं किया और इस बंदे ने अच्छा किया और इसका सिलेक्शन हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ है, कैप जैमनी ने स्कैम किया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का बिना किसी इंटरव्यू के सिलेक्शन किया, तो ये काफी स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। तो जितने स्टूडेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है, जितने स्टूडेंट्स ने भी प्रॉब्लम फेस किया, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट में जरूर बताना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके कॉलेज में शॉर्ट लिस्टिंग मेल आई है, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर आपका जो भी डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।